मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। भाई बच्चों, आप सभी जो हैं एग्जाम्स देते आते रहे होंगे और आने वाले समय में आप एग्जाम्स और भी देंगे, और अगर आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से आज पढ़ने चाहते हैं। अगर आप किताबों से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत बड़ी कहानी दी है, और उसको पढ़ते पढ़ते कई बार आप बोर भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपको 1857 की क्रांति को आज कहानी के रूप में पढ़ाया जाए। देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में तो कुछ मेजर पॉइंट्स पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले ये कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है, उसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, 1857 की क्रांति के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कौन थे, 1857 की क्रांति क्यों फेल हुई, 1857 की क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कौन से अधिकारियों को उतारा, और अंत में हम ये जानेंगे कि 1857 की क्रांति का इंपैक्ट क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, साल था सन 1848 का, और भारत पर ब्रिटिश शासन काफी स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो चुका था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने भारत में एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे बेटा विलय की नीति भी कहा जाता है। और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा कि भारत में जो भी राजा है, अगर राजा की खुद की औलाद है तो राजा के मरने के बाद उसका बेटा शासन कर सकता है और उसे पेंशन दी जाएगी, लेकिन राजा की अगर खुद की औलाद नहीं एडॉप्टेड सन है तो उस कंडीशन में उन्हें जो है अपना साम्राज्य अंग्रेजों को देना पड़ेगा। और इस चीज से भारतीय शासक बहुत नाराज थे। उसके अलावा अंग्रेज क्या करते थे कि भारत में बहुत हैवी टैक्सेशंस, मतलब टैक्स इतना ज्यादा था कि लोगों का खून निकल जाता था टैक्स भरते भरते। उसके बाद जो अंग्रेज थे वो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे, रंग भेद की नीति करते थे, काले और गोरे के आधार पर भेदभाव करते थे। भारतीय जो सैनिक होते थे, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करें, वो कभी भी सूबेदार के ऊपर के पद पर नहीं जा सकते थे। उसके बाद अंग्रेज जो हैं दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजते थे और कहते थे कि तुम्हें लड़ने के लिए जो है हम फॉरेन सर्विस अलाउंसेस देंगे, भत्ते देंगे जो अंग्रेजों ने कभी दिए नहीं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो अच्छी थी लेकिन भारतीयों को पसंद नहीं थी, जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी, अंग्रेजों ने भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून चालू कर दिया। ये अच्छी चीजें थी लेकिन भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनके कल्चर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ता जा रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज खुद को पेनिट्रेट कर रही थी, लोगों का धर्मांतरण हो रहा था, इसलिए लोग नाराज थे। हर चीज भारत में बेटा बर्दाश्त है सिवाय एक चीज के, तुम कुछ भी करो लोगों, लेकिन लोगों के धर्म से मत खेलो। भारत में लोगों की बेटा किडनी मांग सकते हो लेकिन उनके धर्म से नहीं छेड़छाड़ कर सकते, और अंग्रेजों ने वही किया। अंग्रेजों ने भारत में एक राइफल इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब हुआ क्या, वो नई राइफल थी बच्चों और उसके अंदर इतनी बड़ी गोली लगती थी। अब उस गोली को पहले दांत से काटना पड़ता था तो एक कैप लगता था, और उस कैप को अंग्रेज चाहते तो प्लास्टिक भी लगवा सकते थे, लेकिन प्लास्टिक पड़ रही थी महंगी तो अंग्रेज ने उस कैप पर गाय और सुअर की चर्बी लगवा दी। अब भाई गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम, तो अंग्रेजों ने वो हरकत करी, लोगों के धर्म के साथ छेड़छाड़ करी, और भारत में हर चीज बर्दाश्त है
लेकिन लोगों के धर्म के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। तो कहते हैं कि वो ज्वालामुखी पहले से भर रहा था, लेकिन चर्बी कांड ने कहते हैं ना कि वो ज्वालामुखी फट गया और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गोली कहां चली थी। तो हुआ ये बच्चों कि दिन था 29 मार्च 1857 का। एक सोल्जर हुआ करते थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल पांडे साहब जो थे वो कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे। तो वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे और बैरकपुर में पोस्टेड थे और उन्होंने वहीं पर अपने सीनियर पर गोली चलाई और वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इसका देखा देखी क्या होता है कि 10 मई 1857 को एक क्रांति होती है मेरठ में और उस क्रांति को करती है 3rd नेटिव कैवेलरी यूनिट जो थी उसने की। और उसके बाद जून के मिड तक आते आते ये क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। अब प्रॉब्लम यही थी बेटा कि ये क्रांति जो थी ना ये पैन इंडिया क्रांति नहीं थी, ये सिर्फ उत्तर और पूर्वी भारत तक ही सीमित थी। और क्रांतिकारियों को ये लग रहा था कि उनका कोई लीडर नहीं है। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि 82 साल के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर उनके पास गए और मंगल पांडे जी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कहा कि तूफानी लहर उठ रही है जहां बना, साथ दीजिए हमारा। तो बहादुर शाह जफर 82 साल के हो चुके थे, पेंशन खा रहे थे, अपने जीवन के आखिरी दिनों में थे, उन्हें लगा कि हो सकता है पुराने दिन वापस आ जाए और उन्होंने इस क्रांति का लीडर बनने का फैसला किया। और बहादुर शाह जफर जो है इस क्रांति के लीडर बने और उसके बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा दिया मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ बढ़ो। शुरुआत में क्या था बच्चों की यह क्रांति काफी सक्सेसफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस क्रांति को बहुत आसानी से दबा दिया। इसके पीछे कारण क्या थे आप सोचेंगे, क्रांति फेल क्यों हुई। एक कहावत सुनी होगी ना बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनके पास जज्बा था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और बेटा लड़ाई जो है ना सिर्फ जज्बे से नहीं, उसके लिए हथियार भी चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है। तो हमारे क्रांतिकारियों को यह उम्मीद थी कि जब हम क्रांति करेंगे तो ये हमारे देश के जो बड़े राजा महाराजा हैं ये हमारा साथ देंगे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के होलकर्स हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, ये सब हमारा साथ देंगे। अरे बेटा साथ देना तो बहुत दूर की बात है कि जब इन राजा महाराजाओं को मालूम चला कि क्रांति होने वाली है तो जाकर अंग्रेजों को बता दिए कि साहब क्रांति होने वाली है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के कंपैरिजन में थे नहीं। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी बेटा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई इधर लड़ रहा है कोई उधर लड़ रहा है। बेटा लड़ाई जो है ना ताकत से नहीं, लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। अगर लड़ाई ताकत से जीती जाती तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका कभी वियतनाम में हारता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता था। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। बेटा लीडरशिप जो थी वो इफेक्टिव नहीं थी। अलेक्जेंडर ने एक बार बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आई एम नॉट अफ्रेड बाई द ग्रुप ऑफ लायंस हु इज लेड बाय अ वोल्फ, बट आई एम अफ्रेड बाय अ ग्रुप ऑफ वोल्फ विच इज लेड बाय अ लायन। तो लीडर का जो है पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं था क्योंकि बहादुर शाह ऑलरेडी 82 ईयर्स के हो चुके थे। और उसके अलावा जो हमारे देश के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स भारतीय थे वो भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट था वो क्या थे और उनके जो लीडर्स थे वो कौन थे। जैसे कि बैरकपुर में हमारे मंगल पांडे जी थे, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर साहब और उनके सेनापति जिनका नाम था बख्त खान और उसके अलावा उनके एक चीफ एडवाइजर थे जिनका नाम था हकीम एहसानुल्लाह साहब। लखनऊ में तो आप जानते ही हैं सारे नवाबों के क्या हाल थे, तो लखनऊ में तलवार जो है बेगम हजरत महल, उनका एक बच्चा जिसका नाम था बिरजिस कादिर और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लखनऊ में जिसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला,
जिन्हें बेटा डंका शाह के नाम से पुकारा जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित कर दिया था और अंग्रेज उनके नाम से थर थर कांपते थे। कानपुर में आप जाएंगे तो नाना साहिब हो गए, महान सर सेनापति मराठा जिनका नाम था तात्या तोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह अमर सिंह और ना जाने ऐसे कितने वीर इस क्रांति में हिस्सा थे जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं। और इन सारे नामों को कृपया करके याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्रांति के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों से कहा कि जाओ और इस क्रांति को रोको। इस क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कुछ अधिकारी भेजे, जैसे कि दिल्ली में जॉन निकल्सन और हडसन को भेजा गया, कानपुर में कैंपल और हैवलॉक को भेजा गया, लखनऊ में हैवलॉक थे, आउटरैम थे, जेम्स नाइल थे, झांसी वाला बहुत ही फेमस है सर ह्यूग रोज, बनारस में जेम्स नाइल, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को बहुत आसानी से रोक दिया। 1857 की जो क्रांति थी बच्चों, वो हमारे लिए तो एक क्रांति थी, कहते हैं कि आजादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि अंग्रेजों से आप पूछें तो कहते हैं कि यह कोई क्रांति नहीं, यह महज सैनिकों का एक विद्रोह था छोटा सा। तो अंग्रेजों का कहना था यह सैनिकों का विद्रोह था लेकिन हमारे लिए क्रांति थी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह आजादी की पहली लड़ाई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो एक व्यक्ति थे हमारे देश में जिनका नाम था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति आजादी की पहली लड़ाई है। अब प्रश्न यह आता है कि जब अंग्रेजों ने कार्रवाई की तो हमारे लीडर्स ने क्या किया। तो हमारे जो सबसे मेन लीडर थे, अंग्रेजों ने कहा पहले पता करो लीडर कौन है। तो लीडर थे भाई बहादुर शाह जफर सेकेंड, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, वो जाकर के हुमायूं के मकबरे में छुप गए और उन्हें जो है वहां से बाहर निकलवाया गया और उनके दो बेटे थे उन दोनों को जो है तुरंत गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया जेल में, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हुई। नाना साहिब और बेगम हजरत महल थोड़े से कमजोर पड़ गए और ये दोनों नेपाल चले गए। महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना युद्ध भूमि में शहीद हुई। बाकी तात्या तोप, मंगल पांडे और भी बाकी जो लोग थे उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, उन्हें फांसी की सजा। अब प्रश्न यह आता है कि इस क्रांति का इंपैक्ट क्या हुआ। जब यह खबर इंग्लैंड पहुंची तो क्वीन विक्टोरिया को इससे बहुत नाराजगी हुई। उन्होंने कहा भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने गई है या खून खराबा करने गई है। और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि क्वीन विक्टोरिया ने उस समय के जो वाइसरॉय थे भारत में, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, उनसे कहा एक कानून पास करो। एक कानून पास किया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नाम का एक कानून पास किया गया जिसके बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्वीन ने भारत के शासन को अपने हाथ में लिया। तो याद रखिएगा कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 1857 तक भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 से 1947 तक भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार था। तो ये थी 1857 की क्रांति। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.